बताइए और कौन से स्टॉक्स रहेंगे रेडार पर। देखिए आज डिविस लैब क्रूशियल रहेगा क्योंकि कंपनी की एक यूनिट है, तेलंगाना यूनिट जो है, उसका इंस्पेक्शन हुआ है और उनको कोई फॉर्म 483 नहीं मिला है। क्लियर ऑब्जर्वेशन उनकी रही है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं रही है उस पूरे इंस्पेक्शन में, तो हो सकता है पॉजिटिव साइड पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। और इसके अलावा सिंजिन, जहाँ पे प्रमोटर बायोकॉन ने अपने कुछ स्टेक बेचा है, करीब 15.5 लाख शेयर जो है वो उन्होंने बेचे हैं, 612 रुपये के दाम पर ये स्टेक बेचा गया, हालांकि शेयर 606 रुपये के आसपास है, कुल मिला के 1% के आसपास की, करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी इसको बायोकॉन ने ऑफलोड किया, तो नजर रखने को सिंजिन के ऊपर भी। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं जो फार्मा स्पेस से आज रह सकते हैं एक्शन में। देखना होगा बायोकॉन ने बेचा क्यों है, ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को मीट करने के लिए, वो कलम डिस्कस भी कर रहे थे क्लोजिंग में, और एक महीने के दौरान कुछ और भी इस तरह की बड़ी ब्लॉक डील्स हो सकती है, ठीक है, फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं, उन्हें शेयर होल्डिंग नीचे लानी इसलिए बेचना है तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं, चलिए। लेकिन डीवीएस इसके लिए अच्छी खबर, इन पर लेंगे रिएक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद।